मेरा था वो दो दो और वो दो तो मेरा है नहीं दो दो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं समरीन और मैं हूं महजबीन। तो आज हम करने वाले हैं बर्थडे डेकोरेशन चैलेंज और आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो पे एम करती हूं 60,000 लाइक्स। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैलेंज के लिए आप लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने कहा था कि ये चैलेंज जरूर करना, तो आज मैं करने वाली हूँ बर्थडे डेकोरेशन चैलेंज। तो इस चैलेंज में हमारे पास है कुछ टिप्स और इस चैलेंज में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें इस इन चिट्स में डेकोरेशन की चीज़ों के नेम्स है और इनमें से कुछ चिट्स में लिखा हुआ है नथिंग, मतलब कि अगर हमारे पास नथिंग आएगा तो इसका अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब कि हमें कुछ भी करने को नहीं मिलेगा और जो दूसरे चिट पर लिखा होगा वो दूसरे को करने को मिलेगा। अब देखते हैं किसके पास कितनी डेकोरेशन की चीज़ें आती है तो उसका ही डेकोरेशन अच्छा होने वाला है। पता नहीं किसका डेकोरेशन अच्छा होगा। तो अभी हमारा फर्स्ट राउंड और हम इसमें से एक चिट पिक करेंगे। मेरे पास आया है रिबन्स। मेरे पास आया है बलून। हाँ यार सही है, मेरे पास खाली रिबन, तुम्हारे पास बलून। अभी तो हम सिर्फ अपनी डेकोरेशन की चीजें इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास मेरे रिबन्स हैं पिंक गोल्डन और सिल्वर में, और मेरे पास है सेम बलून्स पिंक व्हाइट एंड गोल्डन। सही है, बलून्स आया है यार तुम्हारे पास, मैं रिबन का क्या करूँ, देखते हैं आगे जाके कहीं मुझे आ जाए बलून्स। चलिए अब नेक्स्ट पिक करते हैं हमारे पास क्या आता है। मेरे पास 20 पीस बलून। यार बलून्स तो इसके पास ही आ रहे हैं, मेरे पास फिर कब आएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं आया, नथिंग। अभी पहले भी बलून आया और फिर अभी 20 पीस बलून फिर से। तो तुम्हारा ऐसा रिएक्शन क्यों है? अच्छी बात है ना, डेकोरेशन में बलून्स ही, बर्थडे पार्टी में बलून्स ही लगेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो इतने सारे बलून्स हैं ही और 20 मिल गए। हाँ तो 20 तुम्हारे दूसरे कलर्स के हैं। तो चलो ये वाले मुझे मिले हैं, सिर्फ 20 होंगे। हाँ तो वो 20 में लेंगे। तो चलो ये बलून्स मुझे मिले हैं और सही है यार, मेरा तो सही चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। इस बार मेरा बैड लक है बिल्कुल, हमेशा समरीन का होता है। तो अब हमारा थर्ड राउंड और हम इसमें से एक चिट पिक कर लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। Oh no! अरे यार नथिंग आया। मेरे पास आया है टेप, लेकिन मैं टेप का करूंगी क्या, हाँ आ जाएगा काम आगे आगे अगर बलून आएगा तो फिर ये ठीक रहेगा। तो ये रहा मेरा टेप इकलौता, इससे ही मैं डेकोरेशन करूंगी अपनी। वैसे ये तुम्हारे काम भी आता है, बलून कहाँ लगाओगी अपने सर पे, किससे लगाओगी, क्या बलून्स किससे चिपकाओगी? हाँ, तो लेना मुझे वो मिला है। कुछ नहीं मिला तुम्हें? कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ करके दिखा देना तो तुम्हें भी मिल जाएगी। मैं वो कुछ भी करके। चलो तीन बलून्स दे देना, मैं तुम्हें टेप दे दूंगी, ठीक है? नहीं दो, चलो चलो चार 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 नहीं तीन प्लीज तीन तीन प्लीज यार चार तीन। तो हमारी डील हो गई है, मेरे पास टेप आया है तो ये मुझे 3 बलून्स देगी और मैं इसे टेप दूंगी बदले में, खून के बदले खून मिलेगा। चलो ठीक है फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं 4 बलून दे देती हूँ। तो चलो ठीक ठीक। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ राउंड में हमारे पास क्या आता है। बैकड्रॉप नथिंग। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना लक खराब है मेरा। हाँ इतने बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे यार? अच्छे दिन तो अब तक नहीं आए हैं और पता नहीं आएंगे या नहीं। तुम्हारा तो आ गया अभी, मेरा आ गया ना, तुम्हारा नहीं आया। मतलब कि सारी डेकोरेशन की चीजें जब इसको मिल जाएगी तो मैं क्या अचार डालूंगी यहाँ पे बैठ के। और ये आया मेरे पास बैकड्रॉप। तो चलो फिर मुझे तो मिल गया बैकड्रॉप और अब मैं लगाऊंगी अपना बैकड्रॉप। चलो अब राउंड में देखते क्या आता है। अल्लाह प्लीज मेरे पास कुछ आ जाए। मेरे पास आया है मेटेलिक रिबन। Oh no! यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आया। तो मेरे पास आया है ये मेटेलिक रिबन, ये बलून्स में लगाने के लिए। वाओ ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरे पास बहुत सारे हैं ये देखिए। क्या ये ऐसे भी मैं करूंगी क्या? तो ये विनर है साफ साफ, तो ये मैंने रख लिया है। अब बचे हमारे पास ओनली 2 ये, तो तुम्हें से अब लास्ट है वो ना। तो बर्थडे बैनर बलून पंप। तो बर्थडे बैनर तो आया नहीं, हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ रहेगा। तो तुम्हारा क्या रहेगा, वो मेरे बलून से ही पता चल जाता कि बर्थडे है। ये तो है भाई, ये बात तो है, मगर मेन चीज तो मेरे पास है ना, अगर बंदा कोई आएगा तो वो तो मेरी तरफ आएगा ना, इधर बर्थडे पार्टी चल रही है। नहीं बच्चे पार्टी, सारे बच्चे तो मेरी तरफ ही आ जाएंगे देखने के लिए कि बलून्स है भाई। बलून से तो सब बच्चे आ जाते हैं और बड़े लोग भी, क्योंकि अगर देखेंगे कहीं भी बलून से तो पता चल जाता है कि पार्टी तो हो ही रही है ना। बर्थडे पार्टी ज्यादा, बर्थडे पार्टी में बैनर लगाने से क्या होता है, बैनर लगा हुआ है वो एक तरह से
बैनर लगाने से ये है कि हम लोगों को बुला रहे हैं, अरे आओ आओ मेरे घर में बर्थडे पार्टी है। ऐसा भी होता है, बलून से ही पता चलता है। बलून अगर बाहर भी रख दो ना तो ऐसा लगता है कि इस वाले घर में बर्थडे पार्टी हुई थी, जैसे कि वो होता है। तुम चुप रहो। तो मेरा बर्थडे बैनर ये रहा, तो मैंने पहले इसमें लगा लिया था क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया। दिखाना। खाली रिबन और टेप और बर्थडे बैनर है, बलून का एक टुकड़ा भी नहीं आया मेरे पास। और दोनों बलून का वाला मेरे पास ही आ गया है। चलिए तो फिर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को इसकी डेकोरेशन अच्छी लगी। साफ साफ ना ये बोलकर ना वो मत लो सिंपथी। क्या सिंपथी क्या, अरे मतलब मैं सच ही बोल रही हूँ। नहीं चलो तो फिर डेकोरेशन करने चलते हैं। तो हम लोगों ने अपनी अपनी दीवारें चुन ली हैं, मतलब दीवार तो एक ही है लेकिन हम दोनों ने बंटवारा कर लिया है। तुम कहाँ मैं कहाँ। तो मैं रिबन से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपना देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे कर सकती हूँ तुम बहुत कुछ अगर चाहो तो। ठीक है देखती ठीक है। बलून तो है यार सबसे, और मैं करूंगी तो मैं अगर इसको लगाऊं। ये स्पीकर होता है गाने के लिए, दिखा। ओ इस वाले में नहीं है, गोल्डन वाले में है स्पीकर। ओके चलो कोई बात नहीं, हमने टेप का वादा किया था तो तुम यहाँ से टेप पहले ले सकती हो। ये मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, फिर से निकाल के ले लेना। तो यार कुछ हेल्प क्या, सीजर नहीं, मैं सीजर लेकर आ। नहीं यू कांट यूज। तो मैं क्या दांत से निकालूंगी इसको। नहीं यार ये हाथ से नहीं होगा मेरे। तो मैं ना इसको ऐसे ऐसे करके मतलब इस टाइप का बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा तो बनेगा नहीं लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जा रही सीजर लेने, मैं यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट कर देती हूँ अपनी। टेप भी निकाल कर खुद ही रखना है यार, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। मुझे काल होना यहाँ पे। हाँ तो काटना होगा ना उसके लिए। यहाँ पे लगा रही हूँ, पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं यार, सब कुछ खराब हो गया। तो अब मुझे लगा था मैं इसमें विनर हूँ। मेरा था वो दो दो और वो दो तो मेरा है नहीं दो दो। ये गलत बातें, काट कर दो फिर, मेरा काटा हुआ था वो। लो और वो भी क्या। अच्छा अच्छा क्या चार था मेरा। अच्छा इसको एक टेप भी दो, मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ। तो तुम्हें ही मियाओ करेगी, किसी और के पास जाकर क्यों मियाओ करेगी बताओ। अच्छा इसमें ये नहीं है कि कौन पहले करेगा। पहले नहीं तो है, पहले कौन करेगा। इसमें ये है कि सबसे पहले देखते डेकोरेशन कौन करता है। अच्छी तो देखेंगे कि किसकी डेकोरेशन अच्छी, पहले कौन करता है। अच्छा सही है। तो मैं तो कर... बन उठा कर दो, गिराया तो। उठा लो उठा कर दो। तो अब मैं कर रही हूँ बलून का। तुम बड़ी चलाक बन रही हो, फटाफट सोच रही हूँ मेरा बस हो जाए काम। तो पॉइंट कट। अच्छा तुम दोगी पॉइंट। हाँ तो निकल गया वो मेरा, लगा उसको, तुम्हारे हाथ से निकला है फालतू मेरे हाथ। हाँ, अभी निकला वो टेप, लगा उसको पूरा लगा हुआ था। मत कर उसको खराब। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसमें से मैं एक दो निकाल लूं। हाँ निकाल नहीं, नहीं। यार तुम तो टेप लेकर ही घूम रही हो, ये बहुत ज्यादा चलाकी दिखा रही है। समझी इसको मैंने टेप क्या दे दिया कि यही टेप हड़प कर बैठ गई है। नहीं दो जाओ फिर, ये बहुत चीटिंग कर रही है। मैं जितने टेप निकाली ये लगाया जा रही है अपने पास में, ये गलत बात है यार। तुम तो मेहनत ही नहीं करना चाह रही हो बिल्कुल भी। पता नहीं हम दोनों फ्रेम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और डेकोरेशन हमारी दिख पा रही है या नहीं। शिट यार, क्योंकि हमारे पीछे कैमरा पकड़ने वाला कोई है। मैंने टेप अपने सारे काट के रख लिए और मेरा ये वाला बलून पंप काम नहीं कर रहा है, तो मैं वो दूसरा वाला यूज कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक वाला है, तो इसमें हो जाएगा। तो मुझे तो सिर्फ चार ही बलून मिले हैं और वो है ये। No! और ये कैसा बलून है, मतलब ऐसा लग खराब है कि फटे हुए बलून भी मुझे ही मिल रहा है। तो मिल क्यों रहे, तुम ले रही हो ना वो। अगर आपको भी बलून बांधने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप अपना रबर बैंड यूज कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को ये ट्रिक पता होगी, मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ।
तो मैंने तुम्हें बलून दिया तो मेरा भी भला हो गया। तुम बनू उसका वो दे दो, हैप्पी दे दो। चलो भागो, तुम कुछ तो दो। पहली फुर्सत में निकलो, ये दे सकती हूँ। मुझे पता है आपको इसकी डेकोरेशन अच्छी लग रही होगी, ये बोलकर सिंपैथी ले लो। मुझे पता है आपको इसकी डेकोरेशन अच्छी लग रही होगी। नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद है। टेप जो है ना बिल्कुल चिपक जाता, मिलता नहीं है। क्या आपके साथ होता है ऐसा? टेप के साथ? टेप के साथ, हाँ। टेप के साथ नहीं, मतलब आपके साथ। अब मैंने इतना कर लिया है, अब और बलून्स लगाने हैं मुझे। आप लोग बताइए किस किस को डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर कोई पार्टी है तो वो बंदा बहुत एक्साइटेड है कि डेकोरेशन होगी। बताइए, आप में से कोई ऐसा है तो बताइए। मुझे तो ऐसे पसंद है, देखना करना भी ठीक लगता है, और अगर मिल ही हो रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं बैनर लगा रही हूँ। हाँ, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। और तो आप में से जिसका भी बर्थडे आने वाला है और जिसका भी है आज, उसके लिए हम लोग ये डेकोरेशन करना है, ठीक है? हाँ, तो जिसका भी, वो कमेंट करके बताइए आपको हैप्पी बर्थडे। और अगर आप कल होकर भी देख रहे हैं और आज आपका बर्थडे है, मतलब कल जिस दिन देख रहे हैं, तो उस दिन के लिए भी आपको हैप्पी बर्थडे, और आप जिए हजारों साल और साल मेरी आज। हाँ, साल के दिनों। आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आप लोग अपने बर्थडे में किससे डेकोरेशन करवाना चाहेंगे, समरीन से या फिर मुझसे। हाँ, कमेंट में जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, ठीक है, ये बताइए। मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है और मैं बहुत हेल्प कर रही हूँ, दिख रहा है। तो हम लोग का डेकोरेशन हो चुका है, अब आपको हम लोग अच्छे से दिखाते हैं। और अब आप लोग बताइए कि मेरा डेकोरेशन अच्छा लग रहा है आपको या इनका अच्छा लग रहा है, तो अभी देख लीजिए अच्छे से। तो ये है मेरी डेकोरेशन। चलिए कोई बात नहीं, आपको कमेंट में बताइए कि मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। यहाँ बलून्स भी मैंने ऐसा चूज कर लिया जिसमें कलर ही नहीं निकला। यहाँ से मेरा एक बलून नीचे गिर गया है, उसको आप प्लीज इग्नोर करिए। और हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने भी देख लिया। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका डेकोरेशन बेस्ट लगा आपको, और आप किससे अपना डेकोरेशन करवाना चाहेंगे, मतलब अपने घर का। जल्दी बताइए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा विनर कौन है, क्योंकि हाँ। डेकोरेशन जिसकी अच्छी होगी उसको ही चूज करेंगे ना। तो यहीं पर खत्म होता है हमारी बर्थडे डेकोरेशन चैलेंज, और मुझे ये चैलेंज बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत मजा आया। और मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा था मेरे पास अच्छी चीजें आएंगी, लेकिन इस बार पता नहीं, बैड लक। मुझे लेकिन मुझे अपनी कुछ खास नहीं लग रही, मुझे तुम्हारा ठीक लग रहा है। मेरी डेकोरेशन तो देखो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इतना तो पता चल रहा है कि बर्थडे है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि समीन की जब भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस पर मैं एम करती हूं 60,000 लाइक्स, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए ताकि 60,000 का एम पूरा हो जाए। और मेरा न्यू चैनल आ गया है समरीन अली गेमिंग, जहां पर मैं गेम्स खेलती हूं आप सभी के साथ और अपना लाइव स्ट्रीम करती हूं। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है समरीन अली गेमिंग चैनल का, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करिए, तभी तो समरीन आपके साथ गेम खेल पाएगी ना। हाँ, और आप लोग मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए महजबीन अली, जिसपे हम दोनों बनाते हैं चैलेंजेस। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, हमारी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।